जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द जनरल साइंस। जी हाँ, आज हम जनरल साइंस के एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे। जो वन पेपर होता है उसके अंदर जनरल साइंस के एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंटली मौजूद होती हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले द ड्यू क्रेडिट गोज टू मिस्टर जायद हुसैन मीरानी, जिन्होंने ये मटीरियल कंपाइल किया है। तो पहले द क्रेडिट गोज टू मिस्टर जायद हुसैन मीरानी। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट। आप यहाँ से देख लीजिएगा, मुझे यहाँ पे कलम देख लेते हैं, आ रहा है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर ये कमेंट, ठीक है ना। तो थोड़े ना, यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट शुरू में आया था। यूनिट ऑफ पावर, जो पावर होता है उसको हम वाट में मेयर करते हैं, ठीक है ना। जो घरों में बिजलियों में वगैरह में जो पावर वगैरह होते हैं तो उसे वाट के हिसाब से मेयर किया जाता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि यूनिट ऑफ पावर क्या है, तो दैट इज़ वाट, कितने किलो वाट वाट का। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वैसे तो आम अल्फाज में इन इंग्लिश इट मीन्स रुकावट, रुकावट जगह होती है। तो रेजिस्टेंस जो होती है, जो वायर वगैरह में मौजूद होती है, तो उसको जो यूनिट है दैट इज़ ओहम। ओहम ने गालबन जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसके बारे में बताया, तो उसी के नाम से ये मनसूख है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओहम। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज़ मोहो। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, तो दैट इज़ मोहो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कभी भी पूछे यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, दैट इज़ मोहो। कंडक्टिविटी का कौन सा है, मोहो। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम मेयर करते हैं जूल में, ठीक है ना। एनर्जी इज़ ज्वेलरी, ज्वेलरी इज़ एनर्जी। मोहो कंडक्ट, मोहो दिल को आप कंडक्ट करके, ठीक है ना। मोहो क्लास तो सा कंडक्ट करो, तो इस हिसाब से आप याद करें। ओहो रेजिस्टेंट, तो ओहम ओहो रेजिस्टेंट कंडक्ट मारे दिल को तू, मोहो माहो मोहो तू क्लास कंडक्ट करी, ठीक है। ऐसा हिसाब से एनर्जी इज जूल, यू आर द जूल ऑफ माई एनर्जी, द जूल एनर्जी। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लानट इज लाइट ईयर। जी हाँ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो दैट इज़ स्टार्स। जी हाँ, स्टार्स में क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आम किलोमीटर्स वगैरह में मेयर करना दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेयर द डिस्टेंस बिटवीन ए स्टार। हम लाइट ईयर यूज़ करते हैं, एक लाइट जितना ट्रेवल करेगी वन ईयर में उसको वन लाइट ईयर कहा जाता है। वेवलेंथ इज मीटर, ओहो कितने वेवलेंथ का ये मीटर है, मीटर वेवलेंथ, वेवलेंथ मीटर। तो अगर आपसे कभी भी पूछे मीटर वेवलेंथ का जो यूनिट है वो कौन सा, दैट इज़ मीटर, वेव मीटर। मीटर का क्या है, वेवलेंथ का है मीटर। यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। जी हाँ, छोटे होते थे तो ये पढ़ते थे वॉल्यूम का लेटर, वी एल वी एल वी एल, वी फॉर वॉल्यूम, एल फॉर लेटर, वी एल वी एल वी एल सी होता ना, वी एल सी प्लेयर, तो उस हिसाब याद करें। वी एल सी वॉल्यूम का क्या है, लिटरल लेटर, वॉल्यूम का क्या है लेटर, वी एल सी मुझे तो याद हो गया। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, एफ एच एफ एच, ठीक है ना, या फ्री हर्ट्स, फ्री हर्ट्स, फ्री हर्ट, जैसे फ्री हर्ट है ना, मुफ्त का दिल, मेरे पास मुफ्त का दिल है। तो यूनिट ऑफ यूनिट जो है आपके आपके फ्रीक्वेंसी दैट इज़ हर्ट्स, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्स। यूनिट ऑफ रेट ऑफ स्लो वाटर इज़ क्यूसेक। पानी जब होता है जो जो कि जहाँ से गुजरता है, तो उसको मेयर करने के लिए क्यूसेक है कि इतना क्यूसेक। ख़बरें वगैरह सुनते हो तो वो बताते हैं कि आज इतने क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरेगा, तो वाटर का जो फ्लो है उसे मार करते हैं क्यूसेक, 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 पानी से क्यूसेक। लेंथ इज़ मीटर, लेंथ का जो मीटर यूनिट है दैट इज़ आल्सो मीटर। पावर का वाट है, रेजिस्टेंस का ओम है, कंडक्टिविटी का मोह है, एनर्जी का जोल है। चले जी आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये हमने कवर कर लिए हैं, वेवलेंथ का मीटर, वॉल्यूम का लेटर, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स, रेट ऑफ क्यूसेक, लेंथ लेंथ का मीटर, यूनिट ऑफ पावर वाट, रेजिस्टेंस का ओहम, कंडक्टिविटी का मोहो, एनर्जी का जोल, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये सेम है, हमने कवर कर लिए। अब यहाँ से कवर करते हैं जो जो बैरोमीटर है दैट इज़ प्रेशर,
बारो प्रेशर, मैं आपने तो मेरे ऊपर बारो बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, आप मेरे ऊपर बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, तो बार बार बैरो, बैरो से प्रेशर, जो प्रेशर होता है हवा वगैरह का उसका जो यूनिट है दैट इज़ बैरोमीटर, आप मेरे ऊपर बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, तो बैरोमीटर का प्रेशर है। वोल्टा की बैटरी है, उस बंदे ने पहले बैटरी बनाई थी, तो वोल्ट मीटर जो है वो उसका यूनिट वोल्टेज के हिसाब से होता है, तो वोल्टा मीटर किसको मेयर करता है, वोल्टेज को, वोल्टेज के कितनी वोल्टेज आ रही है, कितना करंट वगैरह आ रहा है, तो उसको मेयर करने से वोल्टेज है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए जो मौजूद है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। अड़े ने के वठी वञो दे या गोर न कियो छोरा। चले जी, बच्चा आ गया था, आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी, माजरत। लैक्टोमीटर जो है वे प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेयर करता है, ठीक है ना, तो जो मिल्क होता है कि कितना उसमें, वैसे तो आज के पानी पानी है, वैसे जहाँ पर भी लैक्टोज आ जाए ना, जैसे लैक्टोजन बच्चों का दूध होता है, तो दूध से रिलेटेड लैक्टो आएगा, लैक्टो, तो दूध मीटर बना मेयर करना, लैक्टोमीटर दूध की प्योरिटी को मेयर करना, थर्मोमीटर टेम्परेचर को, एनेमोमीटर वेलोसिटी या विंड, विंड को मेयर करने के लिए कि उसकी कितनी है, उसको हम मेयर करते हैं एनेमोमीटर, तो एनेमोमीटर यूज़ होता है वेलोसिटी या विंड को मेयर करने के लिए, वेलोसिटी या विंड, विंड कितना हो, एनेमोमीटर, मेरे विंड की एनो, एनोमीटर, एनेमोमीटर, इसका क्या बन सकता है शॉर्ट, आप बता सकते हैं तो बताएं। AW, जैसे मेरा नाम है आमिर और मेरी कास्ट है वगन, तो आमिर वगन और उसे एनेमोमीटर और विंड, ठीक है ना, इस तरह से याद करें, आमिर और वगन और एनेमोमीटर और विंड। रिचर स्केल मेयर करता है अर्थक्वेक को, अर्थक्वेक को मेयर के लिए सेस्मोग्राफी यूज़ होता है, हाइग्रोमीटर यूज़ होता है डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी, जो पानी के कतरात वगैरह मौजूद होते हैं उसको मेयर करने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, सैफामेनोमीटर ब्लड प्रेशर। आप इसको इस तरह से याद करेंगे, जब बहुत बड़ी स्पेलिंग ये एस सफाइमो मैनोमीटर कुछ ऐसा कुछ आ जाए तो ब्लड प्रेशर के याद करें कि जिसकी आप इसका याद करें कि बहुत बड़ा वर्ड होता है ब्लड प्रेशर का। गेगर, गेगर काउंटर मेयर्स रेडियो एक्टिविटी, तो गेगर क्या कहता है, ये मेयर कहता है रेडियो एक्टिविटी को। पायरोमीटर मेयर्स द सरफेस ऑफ टीचर और टेम्परेचर, तो पायरोमीटर किसको मेयर करता है, टेम्परेचर को मेयर करता है पायरोमीटर, ठीक है ना, पायरोमीटर जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उनको मेयर करने के लिए पायरोमीटर होता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए पायरोमीटर किसके लिए होता है, तो मेयर द टेम्परेचर। रेन गाग मेयर रेनफॉल, रेन गाग किसके लिए होता है, रेनफॉल को मेयर करना है। सेस्मोग्राफ मेयर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेयर करने के लिए होता है सेस्मोग्राफ। एमेमोमीटर मेयर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेयर करने के लिए होता है एमीटर, एम मीटर, एम एम इलेक्ट्रिक करंट, AEC, अब इसका एक बन गया, ठीक है ना, या आप ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका, ई से इलेक्शन, सी से कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका से एमीटर और उसका है इलेक्ट्रिक करंट। अल्टीट्यूड से अल्टीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई को मेयर करने के लिए जो चीज़ है दैट इज अल्टीमीटर, ठीक है ना। एनेमोमीटर मेयर्स वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, तो एनेमोमीटर क्या मेयर करता है, वेलोसिटी, ये सेम आ गया जैसे आमेर वगैरह, तो उस हिसाब से आप यह सकते हैं विंड को मेयर करने के लिए ये चीज़ मौजूद होती है। हमने ऑलरेडी कर ली कवर लिया है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेयर कर लें बैरोमीटर, ऑडियोमीटर जो है वो हियरिंग के पावर को इम्प्रूव कर लेते हैं, जैसे बच्चों को, अगर मेरे चाचा की बेटी वगैरह की, आपने भी कोई ऐसे इंसान देखा जिनके लिए कान में मशीन होती है, दैट इज ऑडियोमीटर। कैलोरी मीटर जो है वो क्वांटिटी ऑफ हीट को मेयर करने के लिए कैलोरी मीटर होता है। कैलोरी मीटर जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ द कलर, कलरी मीटर, तो कलरी मीटर जो होता है वो कलर को मेयर करता है। एलजेसी मीटर जो होता है वो सेंसिटिव ऑफ स्किन को मेयर करता है, एलजेसी मीटर, सेंसिटिविटी ऑफ स्किन, एलजेसी मीटर सेंसिटिविटी ऑफ दी स्किन को मेयर करता है। एलजेसी मीटर किसको मेयर करता है, एलजेसी मीटर स्किन, स्किन से जैसे किसी की स्किन में कोई एलर्जी होती है
और स्किन को मैर करने के लिए आप अलजेसी मीटर याद करें, अलजेसी मेरी स्किन, अलजेसी अलजेसी स्किन, स्किन अलजेसी। तो अलजेसी मीटर स्किन की सेंसिट कितनी हसास वगैरह है वो चीज़ मैर करने के लिए अलजेसी मीटर होता है। कैलोरी मीटर आपकी हीट की, क्योंकि हीट को कैलोरीज में मेयर करता है कि आपने कितनी कैलोरीज वगैरह बर्न की, तो उसके लिए कैलोरी मीटर है। कैलोरी मीटर अगेन कलर की इंटेंसिटी के, कितने वो गाढ़े हैं डार्क के कुछ हैं तो उनके लिए कैलोरी मीटर है। कैफीन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट टी लीव्स, जो चाय के पत्ते होते हैं उसके अंदर कैफीन मौजूद होता है। एसिड रेन कंटेंस हायर लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, एसिड रेन के अंदर जो है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अमाउंट ऑफ, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी एनर्जी देता है, 4.1 किलो कैलोरीज, ठीक है ना। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी आजान का पहले जो शुरू करते हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी 4.1 किलो कैलोरीज। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो तो कितना होगा, 4.1 किलो कैलोरीज, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। अगर जैसे अभी अर्थक्वेक हुए थे टर्की के अंदर, तो बंदों को तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिनों के बाद भी निकाल रहे हैं, तो आप और हम रह सकते हैं विदाउट अ फूड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। लेकिन हाँ, वैसे जैसे भूख लगती है तो इंसान चले। व्हेन अ गैस टर्न इनटू लिक्विड द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, अगर कोई गैस है अगर वो लिक्विड बन जाए तो कंडेंसेशन है। जैसे आप स्टीम, अगर आपने कभी आलू की चिप्स के ऊपर जो वो पकती है, आपने वहाँ से जो स्टीम जो गर्म धुआं निकलता है उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वो पानी हो जाता है, तो इस अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है। या आपने बोतल देखा होगा तो जो जैसे फ्रिज से निकालते हैं तो उसके अंदर जो गैस होती है उसके जो बुलबुले बाहर आ जाते हैं, तो ये कंडेंसेशन है। तो गैस जब लिक्विड बन जाए तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। यीस्ट इज़ मेकिंग ब्रेड, यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग अ ब्रेड इज़ फंगस। यीस्ट जो जो मुझे याद है कि मुझे पहली दफ़ा मेरी वाइफ ने कहा था कि यीस्ट लेके आओ, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे थे, तो जो जो उसको बड़ा कर देती है, फुला लेती है, वो यीस्ट होती है। और यीस्ट क्या है, फंगस है। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे यीस्ट क्या है, दैट इज़ फंगस, ठीक है ना। ये जो नन्हे छोटे छोटे माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फ़ायदेमंद होते हैं, उनको अच्छा बनाते हैं। द डिज़ीज़ डिप्थेरिया अफेक्ट्स अ थ्रोट इन ह्यूमन बॉडी, ये भी MCQ आ सकता है कि डिप्थेरिया किसकी डिजीज़ है, तो आपका जवाब होगा डिप्थेरिया जो है वो हमारे थ्रोट को अटैक करती है। द डिप्थेरिया अफेक्ट्स अ थ्रोट इन द ह्यूमन बॉडी। लिक्विड दैट एवापरेट क्विकली आर नोन एज वॉलेटाइल लिक्विड्स, वो लिक्विड जो कि जैसे होते हैं, मेरे ख्याल से लिक्विड भी होते हैं, जैसे पेट्रोल है, आप अगर आप एक तरह से स्प्रिट वगैरह या कुछ भी आप रखेंगे तो वो उड़ जाता है, तो ऐसे लिक्विड जो उड़ जाए तो उसे वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। स्पेनिश जैसे हम गोभी पालक वगैरह कहते हैं, स्पेनिश द पापा इधर सालर मैन में जो ग्रीन ग्रीन खाता है, तो स्पेनिश किधर के चले, स्पेनिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किस में पोटाशियम ज़्यादा है, तो स्पेनिश या स्पेनिश में क्या है पर ज़्यादा, तो दैट इज़ पोटाशियम। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ ऑक्सीजन। हम जो अर्थ का ऊपरी लेयर होता है, जैसे क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है, जो ऊपरी ऊपरी वाला हिस्सा होता है, तो उसके लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है दैट इज़ ऑक्सीजन। इन ह्यूमन बॉडी गॉल ब्लेडर इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसान के जिस्म में इन ह्यूमन बॉडी गॉल ब्लेडर इज़ अ पार्ट ऑफ दी डाइजेस्टिव सिस्टम। जो इंसान का जिस्म है तो गॉल ब्लेडर किसका हिस्सा है, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि गॉल ब्लेडर किसका हिस्सा है, तो दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। इन ह्यूमन बॉडी गॉल ब्लेडर इज़ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लूकोमा इज़ कास्ड बाई इंक्रीज इन प्रेशर विद इन आई बाल। अगर आपसे पूछा जाए कि आई बाल ग्लूकोमा किसकी डिजीज़ है, तो दैट इज़ आई आँख की, ई फॉर आई, आई बाल ग्लूकोमा, ग्लूकोमा आई ग्लू 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 बाल ग्लू बाल ग्लूकोमा आई बाल, ठीक है। एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, ई एंजाइम्स प्रोटीन, जैसे इसमें ई आ रही है तो प्रोटीन में भी ई आ रही है, तो एंजाइम्स आर मेड ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स खाओ तो एंजाइम पाओ, एंजाइम पाओ तो प्रोटीन खाओ, एंजाइम चाहिए तो प्रोटीन खाओ, एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। 1 ounce इज इक्वल टू 28.35 ग्राम। ये हाँ, ये आपसे पूछ सकते हैं
हमें तो नॉर्मल याद नहीं होती, ये कहाँ से याद हो गया। तो 1 ounce इज इक्वल टू 28.35 ग्राम, 1 ounce इज इक्वल टू 28.30 ग्राम, 28.35 ग्राम, 1 ounce इज इक्वल टू 28.35, ये सोने वगैरह में गा के 1 ounce इज इक्वल टू 28.35 ग्राम। बम्बू इज ग्रास, जो बड़ा बड़ा लकड़ा होता है तो काट काट तो ये जो है ग्रास है। स्टोमेटा जो है वो एक टाइनी जो होते हैं वो सुराख होते हैं जो लीव्स में मौजूद हैं, जो उनको एक तरह से ऑक्सीजन वगैरह लेने देने में मदद करते हैं। पैलेंटोलॉजी ये स्टडी है उन जानवरों की जो मर गए हैं, जिनके मर गए हैं कि जो हड्डियां वगैरह उनको फॉसिल कहा जाता है, जैसे डायनासोर मुझे याद आ रहा है कि आज के टाइम वो मौजूद नहीं है, तो उनकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। और जो एनिमल होते हैं उन्हें पहले जूलॉजी कहा था, जो बर्ड होते हैं उनको पहले बॉटनी कहा जाए। नॉन बर्ड डायनासोर लिव्ड बिटवीन, ये आपको पता है नॉन बर्ड डायनासोर जो बर्ड नहीं थे वो कितने साल रहते, 245 and 6 million इतने साल ईयर्स हो रहे थे। तो उनको क्या कहा जाता है, मीसोजोइक एरा। ये पूछा जाए मीसोजोइक एरा किसकी है, तो आप डायनासोर से ऐसे याद करें कि मीसो मेरा मीसो डायनासोर। डायमीटर एक एक मेयरमेंट का यूनिट है, हाफ कहते हैं। तो द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 12,742 किलोमीटर, तो 12,742 किलोमीटर इज डायमीटर ऑफ दी अर्थ। मोबाइल फ़ोन यूज़ रेडियो वेव्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मोबाइल आपके हाथ में जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कौन से वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं कौन से होते, तो आपका जवाब होगा रेडियो वेव। मोबाइल फ़ोन यूज़ रेडियो वेव टू ट्रांसमिट सिग्नल टू द नेटवर्क ऑफ द बेसिक स्टेशन, जैसे मैं यहाँ पे टेलीनोर का जोम का जो भी टावर होगा अगर वहाँ भेज रहा हूँ तो उसके लिए मैं जो वेव्स यूज़ करें दैट इज़ रेडियो वेव। पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7825 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर जो होता है उसकी जो 7 नॉर्मल है, टोटल 14 होती है, नीचे ऊपर होती है, लेकिन जो 7 है दैट इज़ नेचुरल मेरे ख्याल से। द पी एच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ प्योर वाटर इज 7825 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 25 है तो वाटर की जो पी एच होगी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वो 7 होगी। द पी एच ऑफ प्योर वाटर H2 इज 7825 डिग्री सेल्सियस। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वलेंट टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। यह जैसे मैंने शुरू में बताया कि लाइट ईयर हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए, तो यूनिट जो डिस्टेंस का है दैट इज़ लाइट ईयर, क्योंकि स्पेस के अंदर बहुत बड़े बड़े जो जो डिस्टेंस होते हैं वो आप नहीं आम मीटर से मेयर करते, तो उनको मेयर करने के लिए हमने लाइट ईयर यूज़ किया। लाइट ईयर एक लाइट जो पूरे साल में ट्रेवल करते हैं तो उसे लाइट ईयर को एक कहा जाता है, और वो इक्वल है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स, ठीक है ना, बहुत बड़ा। एनर्जी पजेस बाय वाटर इन अ डैम इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो डैम होता है हम ऊपर थोड़ा पानी को करके बनाते हैं मुँह उसका, जैसे एक एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें पानी को स्टोर करते हैं, बाद में जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए तो डैम के दरवाजे खोलते हैं तो कंटिन्यूसली वो पानी को फ्लो करते रहे जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज रिड्यूस बाय इंसुलिन, जैसे इंसुलिन होती है आपके जिस्म में, जो इंसुलिन होती है आपके खाना वगैरह जो खाते हो जो, तो वो शुगर के फॉर्म में आपके ब्लड में आ जाता है, तो वो जो शुगर मीठापन होता है इंसुलिन वो सक कर लेती है। जिन भी बंदों को डायबिटीज़ होती है उनका इंसुलिन प्रॉपर वगैरह काम नहीं करती, तो अगर किसी बंदे को शुगर हो जाए तो आप ये समझ लें कि उसका इंसुलिन ख़राब हो गया है। इन्फ्लुएंजा इज कास्ड बाय वायरस, अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फ्लुएंजा जो कि एक बुखार टाइप की चीज़ है उसके कौन कास्ट करता है, तो दैट इज़ वायरस। एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर सीजनिंग ऑफ द फूड, एसिटिक एसिड को हम एज फूड की सीजनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, मतलब पिज्ज़ा वगैरह इन चीज़ों के लिए। लिपेज एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट, लिपेज जिसमें भी आखिर में ASE आए तो वो एंजाइम है, ये आप याद करें। लिपेज एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, तो फैट को तोड़ने के लिए उसे ब्रेक डाउन कर लेने जो एंजाइम इस्तेमाल होता है दैट इज़ लिपेज एंजाइम। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लिपेज एंजाइम क्या करते हैं, तो वो जो है हमारे अल्लाह पाक आपको खुश करे, लिपेज एंजाइम फैट्स को तोड़ने में मदद करें करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज़ वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन जो होते हैं एक फैट सोल्यूबल होते हैं और एक दूसरे वाटर सोल्यूबल होते हैं। विटामिन बी और सी
जो है वो वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी भी विटामिन सी, ये पानी में विटामिन आपके सोल्यूबल हो जाते हैं, ख़त्म जज़्ब हो जाता है, लेकिन दीगर जो विटामिन है वो नहीं थे। आज़ान का ब्रेक। चले जी लेक्चर को शुरू करते हैं। डिप्थेरिया जो है वो थ्रोट की डिजीज़ है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए डिजीज़ डिप्थेरिया रिफ्लेक्ट अफेक्ट करती है तो इंसान के थ्रोट को अटैक करती है। स्पेनिश में पोटाशियम है। इंसुलिन वाज डिस्कवर बाय डॉक्टर एफ जे बेंटिंग। तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे वो डॉक्टर एफ जी बेंटिंग को दवाएँ देते हैं, उन्होंने इंसुलिन डिस्कवर किया। तो इंसुलिन वाज डिस्कवर बाय डॉक्टर एफ जे बेंटिंग। सिट्रस फ्रूट आ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। जिसमें भी रस होता है उनको सिट्रस फ्रूट कहा जाता है, और विटामिन सी उनमें ज़्यादा होती है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो इनके अंदर विटामिन सी जैसे एस्कॉर्बिक एसिड का जाता है जो पानी में डिजोल्व भी हो जाती है, और सिट्रस फ्रूट के अंदर विटामिन सी थे। स्प्लीन इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। स्प्लीन इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड वो होता है जो आपके इंडो मीन्स अंदर, ग्लैंड वो होता है जो कि सीक्रेट करता रहे। तो स्प्लीन जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ द डेड सेल कहा जाता है, क्योंकि जो सेल मर जाते हैं वहाँ आ जाते हैं, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। लेक्टोमीटर हम पढ़ चुके हैं, जहाँ भी लेक्टो आए तो दूध आएगा, तो लेक्टोमीटर दूध को मैर उसकी प्योरिटी को मैर करने के लिए यूज़ होता है। ऑटोप्सी कहते हैं पोस्टमार्टम, अगर किसी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो उसे ऑटोप्सी कहते हैं। रेड कलर हैज़ अ लार्जेस्ट एंड ब्लू कलर हैज़ अ शॉर्ट वेवलेंथ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो खून का कलर है खून में लार्जेस्ट वेवलेंथ है, और जो स्काई का कलर है दैट इज शॉर्टेस्ट। आप इसका अपोजिट कर लें, क्योंकि खून आपके करीब है लेकिन इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, स्काई आपसे दूर है लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट है। तो जो खून है ब्लड का कलर है तो उसकी वेवलेंथ रेड की सबसे ज़्यादा है, और जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ छोटी है। पोमोलॉजी कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट की स्टडी को, देखिए फ्रूट कैसे कल्टीवेट किया जाता है उनकी स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं। लॉगरिथम टेबल जो है वो किसने दी थी, जॉन नेपियर ने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन यूज ब्लीचिंग एजेंट इज क्लोरीन। क्लोरीन को पानी को साफ करने के लिए भी यूज़ होता है, और जो ब्लीचिंग एजेंट है दैट इज़ क्लोरीन। प्लानट वो जस्ट शॉर्टेस्ट ईयर, प्लानट जिसके पास शॉर्टेस्ट ईयर है दैट इज़ मर्क्यूरी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। वाज द ट्वेंटी फर्स्ट सेकेंड मैथमेटिशियन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, वाज दी फर्स्ट, ये सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट वाज दी फर्स्ट कौन हु गिव द जॉर्ज कैंटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा मैथमेटिशियन था जिसने फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया सेट का, दैट इज जॉर्ज कैंटर। विच इज़ द बिगेस्ट प्लानट ऑफ अ सोलर सिस्टम इनर प्लानट। तो विच इज़ द बिगेस्ट प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम इन द इनर प्लानट्स, क्योंकि सोलर सिस्टम में आठ प्लानट हैं, प्लूटो था उससे निकाल दिया गया है, चार इनर हैं चार आउटर हैं। जो इनर वाले चार हैं जिसमें मरक्यूरी वीनस मार्स और अर्थ आता है, तो उनमें इन चार में सबसे बड़ा जो है वो अर्थ है। विच यहाँ पे एक मिनट, विच इज़ द सेकेंड इस्लामिक मंथ कैलेंडर दैट इज़ सफ़र। पहला कौन सा है, महरम, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला कौन सा है, दैट इज़ पहला पहला जो है दैट इज़ अल्लाह पाक आपको खुश करे, पहला जो है वो पहला मुहर्रम, दूसरा सफ़र। प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ आई, आई की जो हिफाजत करता है दैट इज़ स्केलरा। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आई कौन सा है, दैट इज स्केलरा। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आई कौन सा, स्केलरा। प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यूज़ की स्टडी को, रोबोटो को डिस्कवर्ड द सेल ऑफ कॉर्क, कॉर्क ठीक है ना, ये प्लांट्स में होते हैं जो उनके ऊपरी वाले हिस्से को होते हैं, ठीक है ना। तो रोबोटो ने सेल क्रॉक, ये तो आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 है, 1665 है, लेकिन उन्होंने वो जो सोल था वो कॉर्क का था, वहाँ से सेल को डिस्कवर किया। एंड प्रेडेटर ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो जाती है तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन मिलती है। आपको पता है कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट फूड के फॉर्म में उनको मिलता है, और ऑक्सीजन जो हम भी यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन हैज़ थ्री आइसोटोप, आइसोटोप सिमिलर होते हैं, या उनमें उनका एक एक चीज़ सेम होती है, दूसरी चीज़ कुछ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट का कुछ होता है तो उसके कुछ होते हैं, मेरे ख्याल एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट चेंज होता है। तो हाइड्रोजन के पास तीन आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम आ गए हैं
यहाँ पर सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है तो उसे एटॉमिक मास कहा जाता है। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एटॉमिक मास क्या है तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है जो है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के जोड़ इकट्ठे को एटॉमिक मास कहते हैं। इन स्कल इन 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 आ इन शेल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पहला शेल होता है के शेल, इन के शेल ये सेम आ गया, इन के शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो होते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बताओ कि इसके जो एटम होता है बीच वाला न्यूक्लियस होता है, बाहर जो वैलेंस होते हैं जैसे शेल कहा जाता है उनमें ये होते हैं, उनका 2n कुछ फार्मूला भी होता है। तो के में कितने हैं दो। ग्लूकोज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ग्लूकोज जो होता है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 12। तो अगर आपसे पूछा जाए जो ग्लूकोज है उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, दैट इज़ 12। इन ग्लूकोज नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 12, ये आपको पता होना चाहिए। इन ग्लूकोज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 12। लेबनीज जो है लेबनीज कैलकुलेटर डेवलप्ड इन, लेबनीज ने कैलकुलेटर डेवलप किया था 1970 में। गॉटफ्राइड विलहेम वॉन लेबनीज इन्वेंटेड कैलकुलेटिंग मशीन विच वॉज मेड एडवांस फॉर द मैकेनिकल कंड। तो अगर आपसे कैलकुलेटिंग की मशीन के बारे में पूछा जाए तो ये लेबनीज कैलकुलेटर और गॉटफ्राइड विलहेम वॉन लेबनीज, ठीक है ना। विलियम ऑट्रेड इन्वेंटेड स्लाइड रूल। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लाइड रूल किसने बताया तो विलियम ऑट्रेड, टू आइडेंटिकल लाइनर आर सर्कुलर, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि स्लाइड रूल किसने मुतारफ कराया, दैट इज़ विलियम ऑट्रेड। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि विलियम ऑट्रेड ने क्या इन्वेंट किया, दैट इज़ स्लाइड रूल। स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑट्रेड। इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फॉर्म्स फॉलोइंग, इन अ वेरी लो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बिल्कुल कम है, फुच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज द लास्ट, कौन सी चीज़ होगी जो लास्ट में फ्रीज होगी, दैट इज सी वाटर, क्योंकि उसमें नमक वगैरह कुछ मौजूद होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं द नियरेस्ट प्लानट टू द अर्थ, अर्थ के करीब जो प्लानट है दैट इज़ वीनस, क्योंकि पहले मर्क्यूरी है, फिर हम नियरेस्ट प्लानट टू द अर्थ इज पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। मैंने शुरू में थोड़ा गलत कहा था, पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। और अर्थ इन चारों में बड़ा है लेकिन मार्स लास्ट में था, पहले मैंने मार्स कहा था, थोड़ी गलती हो गई, ठीक ना। तो अर्थ के करीब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्लानट है, दैट इज वीनस। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर किसी की पोजीशन को बताना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी तो वो आप नंबर ऑफ, अगर हाइड्रोजन की एक है तो वो पहले नंबर, अगर किसी की दो प्रोटॉन का नंबर है तो उसका दूसरे नंबर, अगर किसी के तीन चार बार हैं तो उस हिसाब से उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में होती। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड ऑफ 0.1 kg। तो अगर आपको सैलिनिटी ऑफ सी वाटर डिटरमाइन करनी है कि उसके अंदर कितना नमक है तो हम जो सोडियम क्लोराइड है वो चेक करेंगे, क्योंकि 1 kg ऑफ द सी वाटर जैसे 1 liter होना चाहिए। द प्लानट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज वीनस। जो प्लानट आप नीचे से बैठ के ऊपर देख सकते हैं दैट इज वीनस। वीनस प्लानट है जो आसान से हमारे अर्थ का जो बॉडी गार्ड है, जैसे सलमान खान बॉडी गार्ड था तो हमारे अर्थ का जो बॉडी गार्ड है दैट इज़ जुपिटर, क्योंकि वो बड़ा होता है दूसरे प्लानट से, केटर वो बड़े बड़े पत्थर आते हैं लेकिन उससे बचाने के लिए जुपिटर मौजूद था। द प्लानट विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप 5, क्योंकि टोटल 8 है तो विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप ये इंस्ट्रूमेंट वो देखने के लिए कि आप विदाउट टेलीस्कोप यूज़ करके उनको देख सकते हो अपनी आँख से, तो कितने टोटल नंबर इज 5। बायोसेंसर इज़ यूज टू मेजर ब्लड शुगर लेवल, आपके अंदर जो डायबिटीज़ वगैरह होती है या शुगर का भी आप टेस्ट वगैरह कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट दरकार है दैट इज़ बायोसेंसर। बायोसेंसर इज़ यूज टू मेजर ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़, ठीक है ना। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो मौजूद है हमारे इस द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर, एक तो अर्थ का लेयर वगैरह होता है लेकिन ये एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है
और आपकी जो ज़मीन की क्रस्ट है उस पर ऑक्सीजन है, ठीक है ना। हाउ मेनी डिवीजन डज अ फारेनहाइट है, फारेनहाइट के अंदर कितनी डिवीजन्स वगैरह मौजूद है, 180। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंज बाय फोर्स, फोर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हो। अभी है यूनिट ऑफ डेसीबल, डेसीबल सुनने वाले को कहते थे, यूनिट ऑफ डेसीबल इज डीबी, डेसीबल सुनने के कितने आप डेसीबल वगैरह सुन सकते हो, तो यूनिट ऑफ डेसीबल इज डीबी। व्हिच पार्टिकल ऑफ एटम आर नॉट चार्ज आर कॉल्ड, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होते, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे अंदर कोई चार्ज वगैरह नहीं होते। किंगडम मोनेरा डील्स विद बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा जो है उसका बैक्टीरिया का ताल्लुक किंगडम मोनेरा वगैरह से, क्योंकि मुख्तलिफ एनिमल्स को बेहतर पढ़ने के लिए पहले ये कहा जाता था कि किंगडम एनिमिला है किंगडम प्लांटी, फिर उन्होंने कुछ किंगडम एनिमिला किंगडम प्लांटी किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम मोनेरा, इस तरह से कुछ डिविजन है जो आज के टाइम में भी मौजूद हैं, अच्छे से पढ़ी जाती हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर फाइलम सेल्स वगैरह इस तरह से मौजूद हैं। यूकैरियोटिक सेल सिंगल सेल होते हैं, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, जो सिंगल सेल होता है यूकैरियोटिक कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कड़ा यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक होते हैं, यू शायद ट्रू को कहा जाता है, इसको आगे चल के चेक भी करेंगे, ठीक है। एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। यू मीन्स ट्रू, तो उस हिसाब से यूकैरियोटिक मीन्स ये होना चाहिए ट्रू सेल्स, मेरे हिसाब से जो मुझे याद आ रहा है। प्लांट्स मेक अपना फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एनिमल जिसके पीछे बैकबोन होता है, हड्डी वगैरह होती है, करंगा जैसे मिलते हैं, उनको वर्टिब्रेट कहा जाता है। फिश जो फिश के ऊपर जो होते हैं, जब आप फिश मच्छी लेते हो तो उसको साफ करता है, तो वह स्केल्स उसके उतारता है। फिश जो है वो अपना सांसें वगैरह लेती है गिल्स के थ्रू। रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो अपने पेट के बल चलते हैं, उनको रेप्टाइल्स कहा जाते हैं। रेप्टाइल्स अपने अंडे ज़मीन में देते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए रेप्टाइल्स कहाँ पर अंडे देते हैं, तो लैंड पे देते हैं। व्हिच इंसेक्ट आर एनवायरमेंटल फ्री, अर्थ फॉर्म जो है वो माहौल दोस्त इंसेक्ट कहा जाता है, तो इंसेक्ट आर एनवायरमेंटल फ्री। व्हिच प्लांट हैव पैरेलल लीफ वेजिटेशन, व्हिच प्लांट हैव पैरेलल लीफ वेजिटेशन, तो प्लांट जिसको लीफ वेनिएशन है तो उसे मोनोकॉट कहा जाता है। मोनो एक डायकॉट होते हैं जिसके दो हिस्से हो, जैसे आपने अगर गंदम देखे तो उसका दो होते हैं, लेकिन एक जिसका एक हिस्सा हो दो हिस्सों में ना हो तो उसे मोनोकॉट कहा जाता है। यीस्ट जो है वो फंजी का एक एग्जांपल है। व्हिच इज मेन काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, एयर पोल्यूशन। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये आसमान में मौजूद होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो डिप्लीट हो रहा जा रहा है और बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अल्ट्रावायलेट रेज और कैंसर के मसले आगे चल के होंगे। व्हिच इज़ दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस किस पॉइंट में मेल्ट होता है, वो कह रहे हैं कि 0 डिग्री। व्हिच इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है ना, या उसकी फ्रीजिंग होनी चाहिए, फ्रीज, ठीक है। हेलो, हाउ मेनी प्राइमरी टीथ, शुरू शुरू वाले कितने दांत होते हैं, तो 20। एडल्ट जो होते हैं वो तकरीबन 32 होते हैं। चले जी, मेरा बेटा आ गया, इसको जल्दी थोड़ा ख़त्म करते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी टीथ आर देयर, 20। लंग्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने और सामने वाले जो हड्डियाँ होते हैं उसे रिब केज कहा जाता है। एस्थमा जो है वो लंग्स भी बीमारी है। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, लार्वा ऑफ बटरफ्लाई उसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर, तो लार्वा ऑफ बटर को क्या कहते हैं, कैटरपिलर। फ्रॉग एग्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन, तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉग के अंडों को क्या कहा जाता है, दैट इज स्पॉन। फ्रॉग एग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन। फ्लैश ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, फ्लैश ऑफ बॉडी जो आपके जिस्म का फ्लैश है वो प्रोटीन का बना हुआ है। कवाशिनोकोर डिजीज इज कास्ट बाय विटामिन डिफिशियंसी ऑफ आयरन, तो आयरन की ये अगर आपसे पूछा जाए कवाशियोकोर किस की डिफिशियंसी होती है, दैट इज आयरन। ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर, एक होते हैं हर्बीवोर जो सिर्फ घास खाते हैं, एक होते हैं कार्निवोर जो गोश्त खाते हैं, हम ओमनीवोर हैं क्योंकि हम सारी चीज़ें खाते हैं। वो चाहते ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोर जो है वो कार्निवोर है। एनिमल दैट ईट प्राइमरी या सेकेंडरी उससे कहते हैं टर्शरी, टर्शरी मीन्स लास्ट वाले होते हैं। सोल्यूशन इज काइंड ऑफ ए मिक्सचर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कौन है, मतलब जिसमें आप जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अलग करते हैं। यहाँ लेक्चर को ख़त्म करने का मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, थैंक यू सो मच। यहाँ से अगले वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, वरना आपकी तरफ भी खैर, मेरे तरफ भी खैर। अल्लाह हाफिज़।